दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जिसका नाम है सुगा क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज अपन लोग पढ़ेंगे इंस्टेंट हार्टिकल्चर का 15वां लेक्चर, जिसमें मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा कस्टर्ड साइंटिफिक कल्टिवेशन के बारे में, या जो कस्टर्ड एप्पल है इससे जुड़े जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, जो इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कस्टर्ड एप्पल से जुड़े, इनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। कस्टर्ड एप्पल का मतलब समझते हो, शलीफा होता है, ठीक, सीताफल, सॉरी इसको हम क्या कहते हैं, कस्टर्ड एप्पल को शलीफा बोलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कस्टर्ड एप्पल के बारे में पढ़ना। देखो, शलीफा देखने में ऐसा होता है, ठीक, इसका ऐसा एक एक सीड होता है, ऐसे ऐसे इसको खाया जाता है, इसकी जो हरी वाली छाल होती है इसको निकाल देते हैं कायदे से और इसको एक एक करके ऐसे ऐसे खाया जाता है। खाने में थोड़ा मीठा और थोड़ा खट्टा लगता है। बॉटेनिकल नेम इसका अनोना इसको मोसा होता है, ठीक, SQUMOSA दिख नहीं रहा है, अनोना इसको मोसा होता है। फैमिली होती है इसकी अनोनियसी और इसका ओरिजिन प्लेस जो है वो ट्रॉपिकल अमेरिका है, ये अमेरिका में उत्पन्न हुई थी, जो उस वहाँ का उष्णकटिबंधीय अमेरिका है, ट्रॉपिकल अमेरिका, वहाँ पे इसका ओरिजिन प्लेस माना जाता है। देखो, ओरिजिन प्लेस और नेटिव, ओरिजिन प्लेस और नेटिव प्लेस दोनों एक ही होता है। कुछ लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं कि नेटिव प्लेस क्या होता है, ओरिजिन प्लेस, दोनों एक ही चीज़ होती है। अब इसकी एक देखो वेराइटी है रामफल, रामफल को क्या कहते हैं, बुलक्स हर्ट, ठीक, बुलक्स हर्ट, रामफल बुलक्स हर्ट अनोना रेटिकुलाटा, ये अर हो गया है, तो अनोना रेटिकुलाटा कॉमन रूट स्टॉक है ये, ठीक। तो जो रामफल है ये कस्टर्ड एप्पल का एक कॉमन रूट स्टॉक है, जो कस्टर्ड एप्पल में रूट स्टॉक के रूप में लगाया जाता है। फिर एक है लक्ष्मण फल, ये क्या होता है, एटिमोया अनोना एटिमोया, इसको एटिमोया कहते हैं, इसका जो बोटेनिकल नेम है वो अनोना एटिमोया है। ये बनाया गया है अनोना इसको मोसा और अनोना चेरीमोया के क्रॉस के थ्रू बनाया गया है, ठीक, अनोना इसको मोसा और अनोना चेरीमोया का क्रॉस करके क्या बनाया गया है, एटिमोया एक वेराइटी बनाई गई है। ये वेराइटी कौन सी है, इसको हम क्या कहते हैं, लक्ष्मण फल कहते हैं। फिर एक है हनुमान फल, देखो राम फल, लक्ष्मण फल, हनुमान फल, ठीक। अब हनुमान फल क्या होता है, इसको हम चेरी मोया बोलते हैं, ठीक, इसको क्या बोलते हैं, अनोना चेरी मोया। ये आसाम एंड साउथ इंडिया में बड़ा फेमस है, आसाम और साउथ इंडिया में अनोना चेरी मोया उगाया जाता है, जिसको हनुमान फल कहते हैं। और सौर सैप, ये अनोना मौरिकाटा होता है, ये सबसे बड़ा अनोना होता है, अनोना में जो सबसे बड़े बड़े फल होते हैं ये किसका होता है, अनोना मौरिकाटा में होता है। फिर पॉन्ड एप्पल, अनोना ग्लेबरा, ठीक, ये अनोना ग्लेबरा होता है। देखो, जो कस्टर्ड एप्पल है इसमें ज़्यादातर जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं इनके टाइप्स हैं, कि अनोना रेटिकुलाटा को क्या कहते हैं, या अनोना एटिमोया को क्या कहते हैं, अनोना चेरीमोया को क्या कहते हैं, या हनुमान फल किससे रिलेटेड है, इस टाइप के क्वेश्चन इससे जो हैं पूछे जाते हैं। या जो लक्ष्मण फल है यानी कि एटिमोया या अनोना एटिमोया, ये किसके क्रॉस से बना है, तो अनोना इसको मोसा और अनोना चेरीमोया के क्रॉस से बनाया गया है। एमंग अनोनेसियस फ्रूट कस्टर्ड एप्पल इज मोस्ट फेवरेट इन इंडिया, जो अनोनेसियस फ्रूट है इसमें जो कस्टर्ड एप्पल है ये सबसे ज़्यादा फेमस है इंडिया में। ये जो राम फल, लक्ष्मण फल, हनुमान फल है, इनमें सबसे ज़्यादा जो फेमस है वो अनोना इसको मोसा है, ठीक, जिसको हम कस्टर्ड एप्पल कहते हैं। तो ये तो हो गया। अब देखो चेरी मोया, ये चेरी मोया जो है अनोना का जो ये एक टाइप है वो क्या है, ये सब ट्रॉपिकल क्रॉप को प्रेफर करती है, यानी कि सब ट्रॉपिकल क्रॉप के रूप में इसको उगा सकते हैं, मतलब बिहार में, यूपी में या मध्य प्रदेश के कुछ एरिया में इसको उगा सकते हैं, थोड़ा सा महाराष्ट्र, सॉरी थोड़ा सा पंजाब में, थोड़ा सा हरियाणा, दिल्ली, ये सब किस में आते हैं, सब ट्रॉपिकल एरिया में आते हैं, तो यहाँ पर हम इसको थोड़ा थोड़ा उगा सकते हैं। कस्टर्ड एप्पल कंटेंट 20% शुगर, जो कस्टर्ड एप्पल होता है इसमें 20% शुगर होता है। बुलक्स हर्ट इज मोर कॉमनली फाउंड इन साउथ इंडिया देन नॉर्थ इंडिया, जो बुलक्स हर्ट होता है ये साउथ इंडिया में ज़्यादा पाया जाता है, नॉर्थ इंडिया में कम पाया जाता है, यहाँ पर नॉर्थ इंडिया में कम पाया जाता है और लेकिन साउथ इंडिया में ज़्यादा पाया जाता है। चेरी मोया इज मोस्टली रिस्ट्रिक्टेड टू आसाम एंड हिल्स ऑफ साउथ इंडिया, ये चेरी मोया है ये रिस्ट्रिक्ट की गई है, मतलब इसको नहीं ग्रो किया जाता है, कहाँ पर,
आसाम में और साउथ इंडिया के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहां पर इसको ग्रो नहीं किया जाता है। मोस्ट अनोनोसियस फ्रूट आर एसिड एक्लिमेटाइज्ड टू ट्रॉपिकल क्लाइमेट। जो ज्यादातर जो क्रॉपें होती हैं इसकी, कस्टर्ड एप्पल की, ये ट्रॉपिकल क्लाइमेट में होता है, लेकिन जो चेरी मोया है इसको हम सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में भी उगा सकते हैं। अब अनोना रेटिकुलाटा इज कॉमनली यूज एज ए रूट स्टॉक फॉर मोस्ट ऑफ द अनानास। जो ये अनानास होता है वो अनोना रेटिकुलाटा जो है ये सबसे ज़्यादा अच्छा रूट स्टॉक माना जाता है, जिसको हम राम फल बोलते हैं। ये जो होता है ये सबसे अच्छा रूट स्टॉक माना जाता है अनोनियस क्रॉप के लिए। अब कस्टर्ड एप्पल प्रोड्यूस सिंगल क्रॉप इन ए ईयर। जो कस्टर्ड एप्पल है साल भर में एक बार फसल फल देता है। कब? अगस्त से लेके अक्टूबर के बीच में साउथ इंडिया में देता है, और सितंबर और से नवंबर के बीच में कहाँ देता है? नॉर्थ इंडिया में देता है। अब इसकी कुछ वेराइटियाँ हैं। देखो ये वेराइटियाँ, इनका वेराइटी पूछी जाती है, इनका रूट स्टॉक पूछा जाता है, इनके टाइप पूछे जाते हैं कि कितने कितने टाइप के हैं, जैसे अनोना रेटिकुलाटा, अनोना चेरी मोया, ठीक, ये सब वेराइटी ये पूछा जाता है। इसकी कुछ वेराइटियाँ पूछी जाती हैं, इनका फ्रूटिंग टाइम पूछा जाता है, बोटेनिकल नेम और ओरिजिन प्लेस फैमिली, इतना ही इसमें इम्पॉर्टेंट है जो आज तक पूछा गया है, इसके ऊपर नहीं पूछा जाता। हाँ ऐसा है कि मान लो अभी GRF लेवल की तैयारी करो तो हो सकता है कुछ और डीप में पूछे, बाकी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इतना ही इसमें पूछा जाता है। वेराइटी देखो इसकी कौन सी है, बालानगर वेराइटी है, और बारबडॉस सीडलिंग इसकी एक वेराइटी है, ब्रिटिश गुनिया एक बड़ी इंपॉर्टेंट वेराइटी भी है, इसको याद कर लेना, ब्रिटिश गुनिया, और काकर पल्लव ये भी एक बड़ी अच्छी वेराइटी है। अब महबूब नगर ये भी एक बड़ी अच्छी वेराइटी है, महबूब नगर कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। वाशिंगटन ये भी बहुत अच्छी वेराइटी है, वाशिंगटन किसकी वेराइटी है पूछ लेता है, तो इसको याद कर लेना। अब हाइब्रिड वेराइटी है कौन सा, अरका सहन, अरका सहन ये लेस नंबर ऑफ सीड, इसके अंदर सीड कम होता है, 100 ग्राम का अगर वेट का सीड है तो उसमें केवल 10 ही सीड होगा, 100 ग्राम का अगर फ्रूट लोगे, 100 ग्राम वेट का फ्रूट, तो उसमें केवल 10 सीड निकलेंगे। इसकी जो ब्रिक्स होती है वो 31 डिग्री ब्रिक्स होती है, क्रॉस बिटवीन अनोना एटी मोया और अनोना एस्कोमोसा, इन्हीं दोनों के क्रॉस से इसको बनाया गया है, क्या, अर्का सहन। अभी जो ब्रिक्स होता है इसको मैंने बता दिया है, जब मैं इंस्टेंट हार्टिकल्चर को स्टार्टिंग से पढ़ा रहा था तो जब लेक्चर नंबर 1 से अगर आपने देखा होगा तो आपको तैयार होगा, ठीक, तो आप जानते होंगे कि ब्रिक्स क्या है। अगर आप नहीं जानते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, इंस्टेंट हार्टिकल्चर नाम की एक प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट से पहले लेक्चर से देखना शुरू कीजिए, आपको सब कुछ कंफर्म होता चला जाएगा। अब देखो अफ्रीकन प्राइड ये भी एक इम्पॉर्टेंट वेराइटी है, ये क्रॉस किसका है, ये चेरी मोया और कस्टर्ड एप्पल के बीच का क्रॉस है। तो केवल आज के लिए केवल इतना ही, कस्टर्ड एप्पल आपका समाप्त हुआ, इतना ही इम्पॉर्टेंट था। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो, वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, आपके जो भी मित्र हैं उनको शेयर करें, जिससे मेरा मोटिवेशन बढ़े और मैं और भी वीडियो आप लोगों के लिए ऐसे ऐसे लाता रहूं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग आउट।